हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मजर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बताएंगे सलवार का मोहरी डिजाइन बनाना, जो कि बेहद ही सुंदर होगा। फ्रेंड, तो वीडियो का जरा सा भी स्किप ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दे। तो फ्रेंड, हम काउंटर पे आ चुके हैं और हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें, पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो पक्का 2 इंची लिया है, और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है, हमारा जितना मोहरी है हमने उतना लिया है। तो आप लंबाई अपने अनुसार कर लेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मुझे ऊपर से 1/2 इंची पे निशान लगानी है। तो इस तरह से आप रखेंगे और 1/2 इंची पे इस तरह से आप निशान लगाएंगे। इसके बाद फ्रेंड, आप बीच में भी इसी तरह से 1/2 इंची पे निशान लगाएंगे, और फिर साइड में भी इसी तरह से 1/2 इंची पे निशान लगाएंगे। निशान को लगाने के बाद अब हम एक दूसरे निशान को स्केल के सहारे से मिला देंगे। निशान को मिलाने के बाद अब हम मुझे ऊपर में राउंड का शेप देना है। तो राउंड का शेप देने के लिए हमने एक डब्बा का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम अगर हाथ से राउंड का शेप देंगे तो वो एक समान नहीं हो सकता है फ्रेंड, इसलिए आप डब्बे का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए राउंड का शेप हम कैसे देते हैं। तो इस तरह से डब्बे को रखेंगे फ्रेंड, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरह से आप रखेंगे, और जब हम राउंड का शेप देंगे तो मुझे इस निशान से नीचे नहीं आनी है, बिल्कुल इस तरह से आप रखेंगे और इस तरह से आप राउंड शेप देंगे। इस तरह से देने के बाद फिर हम दूसरी राउंड शेप भी इसी प्रकार से देंगे, बिल्कुल एक दूसरे को एकदम सटा देंगे इस तरह से, और इस तरह से सटाने के बाद फिर हम दूसरी राउंड शेप देंगे। तो इसी तरह से राउंड शेप देते हुए पूरे में चले आना है। तो हमने पूरे में राउंड शेप दे दिया है, इसी तरह से आप भी दे देंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हमने जो निशान लगाया है बिल्कुल इसी निशान पे मुझे पूरे में कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से काटते हुए पूरे में चले आना है। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे में राउंड शेप दे दिया है, तो इसी तरह से आप भी दे देंगे। अब मुझे क्या करनी है कि सलवार का कपड़ा पे मुझे इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ चिपका देनी है। हम क्या करेंगे कि नीचे वाले साइड पे बिल्कुल पेपर पेस्टिंग को सटाकर हम कटिंग कर लेंगे, और दूसरी साइड में 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए सीधे कट लगा लेंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे में कट लगा लिया है, इसी तरह से आप भी कट लगा लेंगे। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं मोहरी को सलवार में कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने मोहरी को ले लिया है जो चिपकाया था। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड, मुझे ये राउंड वाले शेप में पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने कुर्ती का कपड़ा लिया है, जो कि ये उरेब है फ्रेंड, आप देख सकते हो, और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो पक्का 1.5 इंची रखा है। तो आप भी 1.5 इंची चौड़ाई ले लेंगे, और हमने जो इसकी लंबाई रखा है वो हमारा जितना मोहरी है उतना रखा है। तो सबसे पहले मुझे पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग को बनाने के लिए हम इस तरह पट्टी को नीचे रखते हैं और मोहरी को इस तरह से रखते हैं, और बिल्कुल एकदम सीधे बराबर आप रखेंगे फ्रेंड, और मुझे जितनी भी मोटी पाइपिंग निकालनी है बिल्कुल एक समान पेपर पेस्टिंग पे सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है।
पट्टी को लगाने के बाद अब मुझे बकरम का सटाकर जस्ट पूरे में राउंड राउंड कटिंग कर लेनी है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो इसी तरह से काटते हुए पूरे में चले आना है। करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम पलटेंगे। इस तरह से पलटने के बाद आप पट्टी को इस तरह से पलटेंगे, बिल्कुल इस तरह से आप पलटते हुए पूरे में चले आएंगे। ने पूरे में पलट लिया है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद फ्रेंड हम फिनिशिंग के साथ पाइपिंग को निकालेंगे इस तरह से, और बिल्कुल पाइपिंग का जड़ में एक सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग के साथ पूरे में चले आएंगे। हमने पैपिन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल लिया है, इसी तरह से आप भी निकाल लेंगे। अब मुझे दूसरी साइड पैपिन निकालनी है। तो दूसरी साइड भी पैपिन निकालने के लिए हमने कुर्ती का कपड़ा लिया है, जो कि उरेब है, और इसकी भी चौड़ाई हमने 1.5 इंची रखा है। तो पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से आप पैच को रखेंगे बिल्कुल। और इस तरह से रखने के बाद मुझे जितनी भी मोटी पैपिन निकालनी है, बिल्कुल एक समान सीधे सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है। इसके बाद फ्रेंड मुझे बिल्कुल एक समान एकदम सीधे कटिंग कर लेनी है। कट करने के बाद आप इस तरह से पलटेंगे, इसको पलटने के बाद इस तरह से आप पलटेंगे। इसके बाद मुझे इसके ऊपर नाखून लगानी है। नाखून लगाने से क्या होता है फ्रेंड कि आपका पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग निकलेगा। इसके बाद इस तरह से आप मोड़ देंगे, और इस तरह से मोड़ने के बाद फ्रेंड आप पाइपिंग निकालते हुए बिल्कुल एक समान जड़ में सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है। तो हमारा पैच बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम पैच को सलवार में लगाएंगे। तो आप इस तरह से उल्टा में रखेंगे फ्रेंड, और पैच को आप इस तरह से रखेंगे बिल्कुल। और हमारा जो दबाव है फ्रेंड, इसी दबाव पे इस तरह से आप रखेंगे और बिल्कुल सीधे सिलाई लगाते हुए जड़ में चले आएंगे। तो हमने पैच को सलवार में लगा दिया है। इसके बाद अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे, और इसको पलटने के बाद इस तरह से आप पलटेंगे। इस तरह से पलटने के बाद हमने जो राउंड पैपिन निकालने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे, और हमारा पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हो हमारा मोहरी बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है, और उल्टा में भी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम सफाई है। तो इसी तरह से आप भी बनाएंगे। अब मोहरी को खूबसूरत बनाने के लिए हमने कुछ फैब्रिक बटन बनाया है, और यदि आपको अगर फैब्रिक बटन बनाना नहीं आता है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख लेंगे। तो हम यहाँ पे फैब्रिक बटन को सिर्फ रखकर दिखा रहे हैं, आप टाक लेंगे। तो हमने फैब्रिक बटन को पूरे में लगा दिया है, तो इसी तरह से आप भी लगा देंगे। इससे मोहरी की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी फ्रेंड। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियोस को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।